आज ना घर पे चावल बच गया था, दिन का चावल। तो मैं सोच रही थी उसका क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या बनाऊं। रोज़ रोज़ काम वाली को देना भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी क्या सोचेगी। इसलिए मैंने सोचा इसका कुछ नया सा रेसिपी बनाती हूं और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूं, क्योंकि ये सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज़ बच जाती है ना, चावल या फिर रोटी, तो उसका यूज़ कैसे करें। तो आज मैंने सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी है। तो चलो बनाते हैं कुछ नई सी रेसिपी। इस चावल को ना मैं दही डाल के पीस लूँगी, मिक्सी जार में डाल के। आधी दही मैंने इसमें डाल दी है और आधी में जो बाद में पीसूँगी ना उसमें डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है इसको, एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है चावल का। बस अब इतना मैं पीस लूँगी पहले। एकदम से फाइन सा पेस्ट बना लिया है मैंने इसका, एकदम बारीक सा पेस्ट बन गया है। इसको मैं बड़े भगोने में निकाल देती हूँ, बाकी का जो है ना उसको भी मैं पीस लूँगी। ये देखिए एकदम बारीक सा पेस्ट मैंने इसका बना लिया है। और ये ना इसमें ना मैं और भी कुछ चीज़ें डालूँगी, हरी सब्ज़ी डालूँगी और सूजी डालूँगी। चलिए सूजी डालते हैं फिर। ये रहा मेरा सूजी, सूजी इसमें मैं डाल दूँगी। सूजी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूजी आप नहीं डालोगे ना तो ये चावल है और चावल तवे पे जाएगा ना तो फिर ये बहुत बुरी तरह से चिपकेगा, तो इसलिए इसमें सूजी डालना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सूजी ज़रूर डालना। सूजी डाल के मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे। इसका बैटर एकदम अच्छा बनना चाहिए ताकि ये अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। चावल का जो भी गुटली होगा ना वो नहीं पड़ेगा, मतलब सही हो जाएगा इसको बराबर चलाने से। देखिए इसका एकदम फाइन सा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, जो भी मसाले मुझे चाहिए। थोड़ा सा मैं हल्दी डाल दूँगी इसमें। हल्दी डालना ऑप्शनल है, आपको अगर डालना हो तो ही डालना। मैंने कलर के लिए डाला है, बाकी सब मसाले तो चाहिए ही इसमें। हल्दी, मिर्ची पाउडर चाहिए, गरम मसाला चाहिए, बाकी हल्दी मैंने अपने हिसाब से डाला है, मुझे चाहिए था इसलिए मैंने डाला। आपको चाहिए हो तो डालना, नहीं चाहिए हो तो फिर आप इसको वाइट कलर का भी बना सकते हो। नमक डाल देती हूँ, को मिक्स कर देना है। प्याज डाल दूंगी मैं इसमें और ये ना सेमिया है, क्योंकि मेरे पास अभी यही सब्जी अवेलेबल थी। आपके पास अगर कोई भी सब्जी हो ना, हरी सब्जी, वो आप डाल सकते हो। मटर वगैरह जो भी हो आप डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो। मेरे पास अभी यही था तो मैंने यही डाल दिया है और टेस्टी तो बनेगा ही। ये टमाटर डाल दूंगी। और मैं ना थोड़ी सी आलसी हूँ, घर में जो भी काम करना हो मैं कर लूँगी, पर बाहर जाके अगर कोई चीज़ जल्दी से लेकर आना है वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो घर में जो भी चीज़ें होती है ना मैं उसी से अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ और सच में बनती भी है, बहुत अच्छी बनती है। तो कला ना उसी में होती है, कम से कम चीज़ों में ना अच्छी से अच्छी चीज़ बनाकर खिलाएं, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप भी वैसा ही करो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल हो ही। मेरा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब मैं तवा चढ़ाऊंगी और तवे पे मैं इसको सेक लूँगी। तो इसमें ना मैंने फ्लेवर के लिए ना ग्रीन चिली डाला है ताकि इसका फ्लेवर आए अच्छा, तो बच्चों को भी खाने में मज़ा आएगा। थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है ताकि इससे भी इसका फ्लेवर भी आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। और मेरी बेटी ना ये घोल देख के ही बोल रही है, मम्मी क्या बना रही हो, चिला बना रही हो। चिला के नाम से उसको बहुत नफरत है, तो मैंने उसके खाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा मैजिक कर दिया है, चिली सॉस डाल दिया है और ये सॉस डाल दिया है ताकि वो उसको फ्लेवर अच्छा लगेगा तो वो खाना खा लेगी अच्छे से ना, वो चिला के नाम से बहुत भड़कती है। बस अब ये तैयार हो गया है। इसको मैं अच्छे से फैला दूंगी।
इसको ना ढक देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, और आँच को धीमी रखना है ताकि ये नीचे से जले ना। गैस का फ्लेम जितना कम हो सके ना उतना कम पे करके इसको छोड़ देना है 5 मिनट। बहुत ही आसानी से ये छोड़ भी दे रहा है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला है ना, तो सूजी की वजह से ये छोड़ रहा है, क्योंकि अगर इसमें ये चावल का ही बनाते हैं ना तो ये चिपक जाता है, तो सूजी बहुत ज़रूरी है डालना। तो इस तरह से ना हम बची हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और टेस्टी, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना के खा सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी बनाओ। ये इतने अच्छे से घूम रहा है ना, मतलब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तवे पे। ये हो गया, इसको मैं वो कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, दूसरा भी इसी तरह से मैं डाल दूँगी। दूसरे वाले को भी मैं इसी तरह से डाल देती हूँ, उसको इसको भी उसी तरह से ढक दूँगी। मेरा ना किसी दिन खाना बनाने का मूड नहीं होना, खास करके रोटी बनाने का मन नहीं करता है ना, तो मैं उस दिन यही सारे काम करती हूँ, मैजिक वाले काम ढूंढती हूँ और वही करती हूँ। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी कैसी। किसी भी चीज़ को ना वेस्ट करने से अच्छा है उसका कुछ नया बना के खाए, उसका टेस्ट भी अलग आएगा और अच्छा भी लगेगा, सामान भी वेस्ट नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि जो ख़राब हो जाए उसको भी खाओ, ऐसा नहीं है। पहले आप उसको देख लो कि ख़राब तो नहीं है ना, उसके बाद उसका कुछ नया आइडिया लगा के कुछ बनाओ। तो बस बन गई मेरी बहुत ही अच्छी सी मैजिक वाली रेसिपी। तो सोच क्या रहे हो, जाओ किचन में और आप भी बनाओ ये रेसिपी, ट्राई करो कैसा लग रहा है। और जाने से पहले ना मेरी वीडियो को फुल वॉच करके देख लो यार, और कमेंट करके बता देना ताकि मुझे भी पता चल सके कि कैसा बना है मेरी रेसिपी। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, चैनल को सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।